हे गार्डनर, तो क्या हाल चाल आप सबके? तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरह के कैलेडियम प्लांट होते हैं और मैंने कितने तरह के अपने कलेक्शन में कैलेडियम के प्लांट ऐड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा और कुछ नए प्लांट भी परचेज किए हैं, तो वो भी मैं इसी में लास्ट में ऐड कर दूँगा। तो ये सबसे पहले जो आप अपने सामने देख पा रहे हो, ये बाई कलर में होती है। बाई कलर मतलब टू कलर, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके कलर ही इतने खूबसूरत है कि काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। ये दरअसल थाई वेराइटी है, थाईलैंड वाली वैरायटी। इसे कैलेडियम थाई ब्यूटी कहा जाता है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने दाम का टेंशन नहीं लिया। जितने भी बोले नर्सरी वाले ने, उतने मैंने देकर इसे परचेज कर लिया। और कोई भी अगर आपको प्लांट पसंद आया और उसे ख़रीदना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन या तो स्क्रीन आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट करना। मैं आपको वहाँ पर प्राइसिंग वगैरह सारा डिटेल में बता दूंगा। और ये जो आप दूसरे कैलेडियम का प्लांट देख पा रहे हो, दरअसल ये स्ट्रॉबेरी स्टार वेराइटी है कैलेडियम की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। मुझे अलग अलग पता नहीं अभी कैलेडियम का शौक हो गया कि कैलेडियम को मैं अपने कलेक्शन में ऐड करूँ ढेर सारा कैलेडियम प्लांट को। इसीलिए मैंने जितने भी कैलेडियम के प्लांट थे नर्सरी में, वो सारे चीज़ें मैंने सारे कैलेडियम के प्लांट को परचेज कर लिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब तीसरा वाला देख सकते हो, ये हार्ट ऑफ जीजस इसका नाम है कैलेडियम की वेराइटी। ये बिल्कुल हार्ट शेप में रहती है और बीच में रेड है और साइड में इसके जो वेंस है वो ग्रीन होते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर कोई भी कैलेडियम प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा दोनों जगह। तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हो, दोनों जगह पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं डिटेल से फिर नई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं डिटेल में नई वीडियो बना दूंगा। तो हवा चल रही है इसीलिए कितने अच्छे पत्ते लहरा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा, और सबसे अच्छी कैलेडियम की बात होती है कि इसे आप रूम के अंदर रख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर भी देखने में लगता है। और ये नॉर्मल वाली वेराइटी देख सकते हो, ये तो कॉमनली बहुत सस्ते जगह पर मिल जाती है, नॉर्मल हर जगह मिली जाती है। ये वाले जो कैलेडियम की वेराइटी, इसका एक्चुअल जो नाम है वो मुझे तो पता नहीं। अगर आप सबको पता होगा कमेंट करके बता देना, ताकि मैं भी उस कमेंट को पिन करके बता दूं कि ये कौन सी वेराइटी है। अभी मुझे पता नहीं, अगर बाद में पता चलेगी तो वीडियो में मैं लिख दूंगा। और इधर ये छोटे से कैलेडियम के देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक सॉइल में ग्रो हो गए थे, तो मैं इसे सेपरेट कर दिया हूँ। ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कौन सा कैलेडियम है। हो सकता है बड़ा होने के बाद इसके पत्ते जब मैच्योर हो जाए तब पता चल पाए कि कौन सा कैलेडियम वेराइटी है। तो ये भी ऐसे भी अगर कलर रहेंगे ग्रीन में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये देख सकते हो स्नो वाइट कैलेडियम की वेराइटी, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। और इसे लाइट लविंग प्लांट है, मेरे हाथ के हिसाब से आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े साइज़ के इसके पत्ते होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं इसके साइज़ के, और जितने बड़े बल्ब होंगे उतने ज़्यादा इसके पत्ते के साइज़ बढ़ते हैं। और इसे आप रूम के अंदर रखोगे तो मरने लगेंगे, इसीलिए कोशिश करें ब्राइट लाइट के जगह में रखें। और इसके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और थिक होते हैं। तो ये भी सबसे पहले मैंने इसी को परचेज किया था, ये मैंने अपने लोकल नर्सरी से नहीं लिया था, दूसरे जगह से लिया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और भी आगे आपको कैलेडियम की वेराइटीज़ दिखाऊंगा जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊंगा। तो चलिए एलोकेसिया का मैं एक प्लांट दिखा देता हूं। तो जो देख सकते हो ये एलोकेसिया का प्लांट है, ये भी मैंने कुछ ही महीने पहले ही परचेज किया था। और इसे भी अगर ख़रीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एलोकेसिया का खूबसूरत लग रहा है। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, इसे मॉइस्चर ज़्यादा पसंद होता है, इसी के चलते मैंने इस प्लांट को लिया था। और ये रहा दूसरी काली हल्दी का पौधा, जो कि इसे भी मैंने परचेज किया है। तो वैसे तो और भी ढेर सारे प्लांट परचेज किए, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही दिखा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इसके बड़ी वाली वेराइटी भी आपको दिखा देते हैं, जो कैलेडियम को मैंने लगाया वो भी वाले प्लांट को भी मैंने जो बड़े गमले में लगाया था, वीडियो शूट किया था, उसको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बड़े वाले यहाँ पर गमले में लगे हुए हैं, तो कितने ज़्यादा ये फैल चुके हैं। ये नॉर्मल वाली वेराइटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके बल्ब को भी दिखा देता हूँ कि इसके बल्ब कैसे होते हैं। बिल्कुल देख सकते हो, ये जो टैरो होता है, टारो जिसको बोलते हैं,
टोटी या कच्चू बोलते हैं उसी तरह के इसके होते हैं। और अभी गर्मी का टाइम है इसलिए इस पर स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर बल्ब लोगे तो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी, और अगर प्लांट अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तो फिर भी आप जो भी परचेज करना चाहें आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।